अच्छा था, कॉमेडियन था वही। ओके बस। और अगर मैं बात करूँ सोनाक्षी के काम की, कैसा काम किया सोनाने? सोनाक्षी का अच्छा रोल था, सिंपल सिंपल बेसिक अच्छा था। अच्छा, क्या आप इस फिल्म को फैमिली को रिकमेंड करेंगी? या ऑब्वियसली फैमिली वाइज इट्स गुड बिकॉज इसमें अडल्ट टाइप कुछ नॉन वेज ऐसा कुछ नहीं है, गुड है, प्योर है। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे आप? 4। थैंक यू सो मच। मूवी अच्छा था, तो इंजॉयबल था, कॉमेडी था, गुड्डू का गोल रोल बहुत अच्छा रोल था। कैसी लगी मैम हैप्पी फिल्म? इट वाज वेरी गुड, द सोनाक्षी'स एक्टिंग वाज सुपर्ब एंड ओवरऑल द मूवी वाज आल्सो गुड। ओके, अगर मैं बात करूं डायलॉग्स की, डायलॉग्स कैसे हैं, फनी है इधर? हां फनी है, बहुत फनी है डायलॉग्स सोनाक्षी के। ओके हां ओके। और कितने आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे आप? 4। क्या आप इस फिल्म को और को रिकमेंड करेंगी? हां यस। कैसी लगी हैप्पी फिर भाग जाएगी? गुड, इट वाज गुड। पहले वाले पार्ट भी अच्छा था, ये वाला पार्ट भी अच्छा था। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मे बी शायद पहला वाला पार्ट ज़्यादा बेटर रहा होगा, बट नहीं, आई मीन इसमें ही मज़ा आया। इसमें मज़ा आया। हाँ ओके। अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, तो मुदस्सर सर ने कैसा काम किया है, प्लस डायरेक्शन कैसा है? देखिए पहले वाला पार्ट भी काफ़ी स्वीट सा डायरेक्शन था। मोमल शेख जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अभय देओल की फियांसे का रोल निभाया था, उनका रोल काफ़ी अच्छा था, तो थोड़ा सा एज था उस मूवी में। बाकी राइटर डायरेक्टर सेम है, तो सेम टाइप ऑफ थीम इसमें भी था। ओके, बात करूँ परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, मतलब फ़नी है, एंटरटेनिंग है, मतलब मज़ा आया। ओके, क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे? 100% अच्छी है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 3.5। थैंक यू सो मच।